जैसे ही गन्ने का रस निकलता सबसे पहले वो इस पार्ट में कढ़ाई में आ जाता है, पहली कढ़ाई ये वाली कढ़ाई है, और इसके बाद दूसरी कढ़ाई में जाता है, और उसके बाद वो सबसे लास्ट वाली तीसरी कढ़ाई में जाता है। तो पहली कढ़ाई, परविंदर थोड़ा इसका तरीके के बारे में बताइए भाई, पहली कढ़ाई में आता है, उसके बाद क्या क्या प्रोसीजर होता है, क्या क्या इसमें ऐड करते हैं, फिर गुड़ तैयार होता है। ये पहली कढ़ाई में तो देखो जी गर्म हो रहा है ये, ठीक है। बाद इसकी हम जो मैली है, मैली निकालने के लिए मैली है जो अच्छा। इसमें अशुद्धि होती है, अच्छा, तो वो निकालते हैं, वो मैली निकाल लेते हैं। मैली ये है जी सुकलाई, अच्छा। इसको ये अब सुकलाई का पौधा है, इसको हम कूट के और इसमें इस तरह से देखो ये जैसे ये तैयार हो जाती है, अच्छा ये राड़ा सा तैयार हो जाता है। हाँ जी, जैसे गोंद होता है ना ऐसे तैयार हो जाता है। तो ये जो गन्ने का रस है उसकी सफाई कर देता है। अच्छा, रस की सफाई करने के लिए सुखलाई का पौधा, हाँ ये इसका तैयार किया जाता है। हाँ, इसका ऐसे रस तैयार कर लेते हैं जी। अच्छा, तो इसमें दूसरी वाली इसमें कढ़ाई में इसको डाल देते हैं। अच्छा, तो देखो इसकी सफाई होगी। अच्छा, ये सुखलाई का पानी है क्या? हाँ जी, ये डालते हैं। अच्छा, ये डालते हैं। तो अब ये देखो इसका साफ हो गया, देखो उसमें काला था इसका रस। हाँ, उसमें काला रंग था बिल्कुल, और इसमें थोड़ा सा साफ हुआ। हाँ, और ये तीसरी कढ़ाई में ये बिल्कुल पक जाएगा। अब ये देखो इसे निकाल रहे हैं। अच्छा, ये जो ऊपर सफेद सफेद आ रहा है ये निकाल रहे हैं, इसमें अशुद्धि है जो। अच्छा, अशुद्धि है वो इसमें से सुखलाई के, सुखलाई से सफाई करते हैं। सुखलाई से ये निकल जाती है। अच्छा, ये बिल्कुल साफ प्योर रस बच जाता है इसमें, ठीक है। और उसके बाद जो है इसमें चाशनी बन जाती है, चाशनी बोलते हैं। चाशनी, हाँ जी, नहीं ये तो बिल्कुल एकदम से तैयार हो गया बिल्कुल रंग और पूरी तरह पक गया है लेकिन। हाँ जी, इसमें एक समस्या, इसमें भी लोग मिलावट करते जी। क्या मिलावट करते हैं इसमें? एक तो मसाला आता है जी, कोई केमिकल आता है, अच्छा वो डालते हैं। अच्छा, कई बार कलर भी मिलाते हैं। अच्छा, और लोग इसको एक प्रोसीजर होता है जी, एक तरीका होता है, चाशनी दबाना बोलते हैं। अच्छा, तो उसमें अरंडी के तेल से दबाते हैं। अच्छा, पर आजकल वो भी मार्केट में लोग शुद्ध नहीं खरीद रहे क्योंकि काफी महंगा आता है। अच्छा, तो इसके लिए इसका दूसरा तरीका हमने अपनाया है, हमने इसमें सरसों के तेल से इसको दबा रहे हैं। हम अपना ऑर्गेनिक सरसों का तेल ही लाए हैं घर से निकलवा के। अच्छा, तो वो उसमें रखा है। अच्छा अच्छा, उस डब्बे में। हाँ हाँ। तो उससे इसको चाशनी को दबाते हैं। दबाना मतलब? दबाना जैसे इसको यही बोलते हैं। अच्छा, इसके ऊपर डाल देते हैं, थोड़ा डालते हैं, छींटा मारते हैं। अच्छा ठीक है। हाँ, एक छींटा बोलते हैं, छींटा मारते हैं। अच्छा, इनकी भाषा में। अच्छा अच्छा, जैसे अच्छा उधर आ जाओ, मैं वो दोनों चीजें दिखा दूंगा। अब ये देखो ये सरसों का तेल है। अच्छा, ये सरसों का तेल है, ठीक है, शुद्ध हमारा जैविक। हाँ हाँ। इसको ऐसे छिटा मारते हैं, इसको ऐसे इसमें दबा ऐसे मारते हैं, ऐसे। अच्छा, मारते हैं तो फिर ये तैयार हो जाता है। इसके साथ हम इसमें ना कुछ अपना गाय का, देसी गाय का शुद्ध घी डालते हैं हम। अच्छा, इसमें शक्कर में भी और गुड़ में भी। हाँ हाँ। क्योंकि इसमें इसका स्वाद बढ़ जाता है। अच्छा। जो हमारी शक्कर तैयार होती है। हाँ। तो उसमें अगर गाय का घी मिला देंगे तो इसमें इसका स्वाद बढ़ जाएगा। अच्छा। और अच्छी खुशबू आएगी, ठीक है। तो ऐसे ही गुड़ में डालते हैं हम। अच्छा अच्छा, तो बस ये दो ही चीजें डालते हैं जी। बहुत बहुत बढ़िया। और ये देसी गाय का घी है जी, बहुत बहुत सुंदर भाई। आप इसका रंग देख सकते हैं, बिल्कुल पीला है। हाँ, वो घी मैंने देख लिया, सूंघ के भी देख लिया है। अब इसको गर्म कर रहे हैं। घी डालने का टाइम आ गया। अब आप इसमें डालेंगे? थोड़ी बार में डालेगा जी। अच्छा, जब वो पक जाएगा, बिल्कुल तैयार हो जाएगा, थोड़ा सा घी डालेंगे उससे उसका स्वाद और बढ़ जाता है और उसकी गुणवत्ता भी बढ़ जाती है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर परविंदर और इनका जैविक गन्ने का ये गुड़ तैयार करते हैं। पिछले 6 साल से गन्ने पे काम कर रहे हैं, गन्ने से सीधा गन्ना मंडी में न बेचकर उसके अपने प्रोडक्ट तैयार करते हैं, गन्ने की मिठाई तैयार करते हैं, गन्ने से शुद्ध खांड तैयार करते हैं, मिठाई मतलब गन्ने का गुड़। तो आइए परविंदर जी से बात करते हैं, और उनका कौन सा ये गन्ना है, कौन सी वैरायटी है, और किस तरीके से इन्होंने गन्ना उगाया, 1 एकड़ में इन्होंने कितना उत्पादन किया है, और किस तरह से ये जो ऑर्गेनिक करके भी अपना मूल्य जस्टिफाई कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं, उन लोगों के बराबर कर लेते हैं, उनसे ज़्यादा कर लेते हैं जो अंधाधुंध धरती के जो है जीवाणुओं को मारकर अलग अलग तरह के रसायनों का प्रयोग कर बहुत सारा उत्पादन करते हैं, और ज़्यादा लाभ के चक्कर में फिर भी दौड़ में पीछे रह जाते हैं परमिंदर जैसे भाइयों से। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार।
अच्छा सर, ये कौन सा वैरायटी आपने लगाया है और गुड़ के लिए और शक्कर के लिए सबसे उत्तम वैरायटी कौन सी है हमारे एरिया के हिसाब से? अमित भाई, गुड़ शक्कर के लिए सबसे बढ़िया वैरायटी ये CO J85 है। इसका उत्तम खांड बनती है और इसकी रिकवरी भी ज्यादा है। ठीक है, पैदावार तो इसकी थोड़ी सी कम है, पर बाकी इसका जो स्वाद है गुड़ का और शक्कर का बहुत ही स्वादिष्ट है। 200-300 क्विंटल आराम से पैदावार निकल आती है अगर हम इसकी अच्छी देखभाल करते हैं, टाइम पे निराई गुड़ाई करते हैं और अच्छा इसमें जीवामृत, घन जीवामृत इनका हम प्रयोग करते हैं। अच्छा, तो आपकी प्रोडक्शन में और दूसरे लोगों की जो खाद डालते हैं, रसायनों का प्रयोग करते हैं, तो उनकी प्रोडक्शन में और आपकी प्रोडक्शन में कितना अंतर आया? उसमें ज़्यादा नहीं है, बाकी हम जैसे इसका गुड़ शक्कर खंड बना के बेचते हैं तो हम उसको कवर कर लेते हैं। और दूसरी बात हमारी क्या है, हमारी जैसे हम केमिकल का सारा खर्चा बच जाता है, हम वो नहीं डालते इसमें कोई अच्छा। भी जैसे मान लो DAP नहीं डालते, यूरिया नहीं डालते और ये जैसे वीडीसाइड नहीं डालते, पेस्टिसाइड नहीं डालते, तो ये सारी चीज़ें कोई भी नहीं डालते हम जी। तो एक तो हमारा वो खर्चा बच जाता है जी जी। दूसरा जैसे जो जैविक गुड़ है, शक्कर है, खांड है, उसका अच्छे दाम मिल जाते हैं। अच्छा, आपका क्या रेट रहता है? अभी जैसे गुड़ का 120 है जी और शक्कर का 130 रुपये। तो हमारा ये खरपतवार होते हैं वो नहीं होते। अच्छा, दूसरा टाइम पे निराई गुड़ाई करते। अच्छा, और दूसरे जो जैसे कीटों का हमारे किसान भाइयों का सवाल रहेगा जो दर्शक रह रहे, भाई हम इसको कीड़ों से कैसे बचाएं, तो उसमें हम नीम की खड़ी इस्तेमाल कर लेते हैं। नीम की खड़ कैसे, कौन सी होती है सर? नीम की जैसे हमारा नीम होता है, हाँ जी, हाँ जी, उसकी खड़ मिलती है बाजार में अच्छी। अच्छा, जगह से ले सकते हैं आप। अच्छा, वो डाल देंगे तो हमारे उसमें गन्ने में कीड़ा नहीं लगेगा। दूसरी बात, अगर हम यूरिया कितनी डालनी होती है सर? वो उसमें हम 5-10 बैग डाल देते हैं। अच्छा, जैसी जरूरत होती है, अगर आपको लगता है कीड़ा लग रहा है, ज़्यादा डालते हैं नहीं लग रहा, लगता है नहीं, तो उसमें थोड़ी डाल देते हैं। और इसके अलावा और भी हम जैसे अपने स्प्रे कर देते हैं, जैसे 10 परनियार के बनाते हैं हम। अच्छा, तो उससे भी हमारा आराम से काबू हो जाता है। और वैसे ही जैसे यूरिया का प्रयोग नहीं करता तो वैसे कीड़ा कम लगता है। कम लगता है, हाँ जी, जितना आप ज़्यादा प्रयोग करते हो उतना ही हमारे फसलों पर कीटों का आक्रमण ज़्यादा। हाँ जी, तो एक और मैं कहना चाहूँगा दर्शकों को कि बिक्री करनी है, मील का तो एक रेट फिक्स है। बिल्कुल, तो इसलिए वो ज़्यादा पैदावार के चक्कर में डालने पड़ते हैं। तो कोई भी ग्राहक ये नहीं पूछता भाई ये गन्ना जैविक है या नेचुरल तरीके से उगाया, बस वो यही पूछते हैं गुड़ खरीदते समय या शक्कर खरीदते समय भाई बगैर मसाले का है। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा दर्शकों को भाई जब भी खरीदें तो आप ये पूछिए भाई ये जो गुड़ बना रहे हैं आप कौन से गन्ने से बना रहे हो। तो अगर आप इस तरह का मांग करेंगे तो हमारे किसानों को भी बढ़ावा मिलेगा, जो जैविक खेती कर रहे हैं या प्राकृतिक कर रहे हैं, तो उनकी मांग बढ़ेगी और फर्क महसूस होगा भाई एक आदमी ने जिसने इतनी मेहनत करके कोई भी उसमें रसायन या जहर नहीं डाला है, एक तो वो गुड़ तैयार होगा, एक खाली जिसने मसाला तो ज़्यादा नहीं पड़ता तैयार करते टाइम, थोड़ा मसाला डलता है, क्योंकि असली चीज़ तो रस है जिससे आपका गुड़ शक्कर खांड बन गया। आपका रस कैसा है, अगर रस आपका जैविक तरीके से प्राकृतिक तरीके से उगाया है तो वो सबसे अच्छी बात होती है, वो उसको हम शुद्ध मानते हैं। ये काम आपका रहता है? हाँ जी। कितनी कितनी देर बाद करते हो इसको? सारा दिन चलता रहे नु ये। सारे दिन? हाँ। मतलब बीज बंद नहीं करना पड़ता? जिम ये करवाऊंगे बंद करने। हम निकाल लेंगे ना बाहर। हाँ हाँ। गुड़ बना के बाहर निकाल लेंगे। हाँ हाँ। जब करना पड़ता है बंद। अच्छा, नहीं तो तब तक इसको चलता ही रखना है। ये धीमी आँच होती है जी, लगातार धीमी होती है। अच्छा अच्छा। तेज आँच भी नहीं दे सकते, कम भी नहीं दे सकते। अच्छा, तो इसलिए इसको खोई बोलते हैं, इसको खोई अवशेष होते हैं, जैसे जूस निकालने के बाद बचते हैं उन्हीं को जलाते हैं। अच्छा हाँ, क्योंकि यही कामयाब है इसमें। मान लो लकड़ी वगैरह दूसरी चीजें लगाते हैं तो वो कभी आँच उसमें ज्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी। अच्छा, इसमें धीमे धीमे चलती है, बराबर आँच मिलेगी इसको। अच्छा, और ये पुरानी विधि है, सालों से पुरानी विधि यही चली आ रही। हाँ जी, चलो, इसमें दोनों फायदे हैं क्योंकि हमारे को अवशेष भी नहीं बचता, जैसे जो गन्ने की जूस निकालने के बाद अवशेष बचते हैं उसको हम जला के अपना गुड़ बना लेते हैं, तो हम बाहर से भी कोई अवशेष नहीं इसमें इस्तेमाल करते या कोई लकड़ियां जलाते। अलग से ईंधन की जरूरत नहीं है, ईंधन की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, उसी का मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है दोबारा, और यही राख दोबारा खेतों में चली जाती है जी। बिल्कुल, तो ये अंदर भट्टी में जाने का रास्ता। हाँ,
जूस पियो। इसकी हम चाय भी बना सकते हैं, चाय नहीं फटती है। आजकल अच्छा। लोग इसको सीधा चाय में इस्तेमाल करने लगे, चाय कॉफी में। और इसकी खीर बना सकते हैं हम, हमारे गन्ने के रस की। हाँ, गन्ने के रस की खीर हमारे बुजुर्ग बनाते थे जी। और हमारे कुछ बिहार के लोग आते हैं, चावल बनाते हैं, मीठे चावल। पलटे मार मार के, पलटे मार मार के इसको दो तीन बार और पलटा जाएगा, उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगी ऐसी, ये शक्कर में कन्वर्ट हो जाएगी। ये पला रहे हैं इसको, गरम है अभी। हाँ अभी गरम है, तो बड़े पड़ेंगे, तले नहीं पड़ेंगे। हाँ तो दो तीन बार पलटा मारेंगे इसका। हाँ, फलाना पड़ता है जी, तो डेढ़ मुंह बढ़ जाते हैं। हाँ जी, आप खा सकते हो, बहुत स्वाद होती है गरम गरम। आप खा के देखो इसको, बिल्कुल हलवे की तरह आपको लगेगी ये। आप खाओ इसको, ये हलवा। हाँ हलवा खा लो, शक्कर है बिल्कुल, हलवे से भी स्वाद आपको इसका। गरम गरम का तो बहुत स्वाद होता है इसका। पहले में खाते थे बुजुर्ग लोग अपनी मिलती, तो आप लोगों को भी गरम पानी है शक्कर तो यहाँ सकते हैं। तो अभी आपने पूरा प्रोसेस देखा, आप ऐसी हो गई है, इसके बाद थोड़ा इसमें हाथ मारते रहेंगे, उसके बाद ये ऐसे तैयार होगी। अगर इसमें हाथ नहीं निकालेंगे तो शायद इसके मोटे मोटे लड्डू बन जाएंगे, जैसे गुड़ होता है वैसे ही लड्डू बन जाएंगे। हाथ मारना पड़ेगा, तब जाके ऐसे फुलकुरी बनेगी फिर ये।